जिला में, पूरे जिला में धारा 144 इम्पोज की गई है और पूरे जिला में कर्फ्यू लगा दिया गया है, विच मीन्स कि 5 या 5 से अधिक लोग जो हैं वो किसी भी स्तर पे इकट्ठा नहीं होंगे। तो हमारा ये भी एक लोगों को मैसेज रहेगा कि जैसे HRTC की बसेज है, प्राइवेट बसेज हैं, इवन टोटल प्राइवेट बसेज ऑफ कर दी गई हैं। HRTC की बसेज भी जो अप्लाई करेंगी उसमें भी सिर्फ 25% ऑफ द कैपेसिटी जो है उतने ही लोग सफ़र करेंगे। सारे स्कूल क्लोज कर दिए गए हैं, आज लास्ट एग्ज़ाम रहेगा, तो कोई भी स्कूल किसी भी सूरत में किसी भी कार्य के लिए खुला नहीं रहेगा। अगर कोई ये वायलेट करता है तो उन्हें उचित मुझे लग रहा है कि दंडित किया जाएगा, जो भी कानून का प्रावधान है IPC की धारा 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी बसेज हैं जो बसेज से हम वो कर रहे सैनिटाइज भी कर रहे हैं, परंतु आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। बाहर से कोई यहाँ ना आए और इवन यहाँ से कोई बाहर ना जाए, इस तरह से होटल्स कुछ ऐसे हैं जो अपने आप से ही जिन्होंने अपना क्लोजर मुझे डाल दिया है कि हम क्लोज कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि बाकी भी जहाँ पे लोगों का आना जाना है या बाहर के लोगों का आना जाना है वो ना रहे। ऑफिस में भी सिर्फ लिमिटेड कार्य के लिए ही हमारे एम्प्लॉयज आएंगे जो अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कोई जैसे पब्लिक डीलिंग है, वो सारे काम 31 मार्च तक फिलहाल स्थगित किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसी बाहर की कंट्री से, अब तो किसी भी कंट्री से अगर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है रिसेंटली आए हैं, हमने उनसे कहा है कि 1077 पे ये अपनी जानकारी देंगे, और जानकारी देना आवश्यक है, इनकी तरफ से मैंडेटरी है। और वो जानकारी जब हम देंगे तो हमने एक तरह से ना एक पोस्टर भी बनाया है, ये इस तरह से एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें कि उस पोस्टर में हमने उन लोगों के घर के बाहर लगाएंगे कि ये क्वारंटाइन किया गया है हाउस, और इसका जो एक पीरियड है 28 डेज का वो भी इसमें लगा रहेगा। तो पीपल हम लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको देखते हुए उन घरों से थोड़ी सी दूरी भी वो रखेंगे। ऐसा कोई जैसे पब्लिक डीलिंग है, वो सारे काम 31 मार्च तक फिलहाल स्थगित किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसी बाहर की कंट्री से, अब तो किसी भी कंट्री से अगर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है रिसेंटली आए हैं, हमने उनसे कहा है कि 1077 पे ये अपनी जानकारी देंगे, और जानकारी देना आवश्यक है, इनकी तरफ से मैंडेटरी है। और वो जानकारी जब हम देंगे तो हमने एक तरह से ना एक पोस्टर भी बनाया है, ये इस तरह से एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें कि उस पोस्टर में हमने उन लोगों के घर के बाहर लगाएंगे कि ये क्वारंटाइन किया गया है हाउस, और इसका जो एक पीरियड है 28 डेज का वो भी इसमें लगा रहेगा। तो पीपल हम लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको देखते हुए उन घरों से थोड़ी सी दूरी भी वो रखेंगे। और स्पेशली मेरा आग्रह है उन लोगों से जो लोग कहीं बाहर से ट्रेवल हिस्ट्री है जिनकी, वो खुद से अपने आप से आके हमें टेलीफोन के माध्यम से या 1077 पे अपनी जानकारी दें, ताकि हम उनकी हेल्प के लिए हेल्थ टीम और जो भी करना है वो हम कर पाएं। ने जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा का सामान है, उसके लिए शॉप्स खुली रहेंगी, बट इन नो केस भीड़ इत्यादि नहीं रहेगी। तो भीड़ को नियंत्रित करने का एक, वैसे तो लोगों का अपने आप से ही एक समझ होनी चाहिए कि वो भीड़ एकत्रित ना करें, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाएगा, और जो भी कानूनी प्रावधान है वो भी सारे के सारे किए जाएंगे। हमारे कुछ व्हीकल जो हैं, जैसे 5 व्हीकल यहाँ पे जो हैं वो अप्लाई करेंगे। सब डिवीज़न पालमपुर में 1 व्हीकल 21 ऑफिस से, 3 BDO ऑफिस से हैं, BDO भवारना, BDO पंचरुखी और BDO भेडुगादेव, और इसके अलावा 1 व्हीकल MC का, जिसमें लगातार हमारे जो जानकारियां हैं वायरस से बचने की या जो भी हम कोई मैसेज देना चाहते हैं वो उस पे PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंस होती रहेंगी, और जगह जगह हर स्तर पे हर गांव में कोशिश करेंगे कि हम हर क्षेत्र को टच करें, हर क्षेत्र तक ये जानकारी पहुंचे। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम ही है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, तो हम सब